वेलकम वंस अगेन दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त पूनम और एक बार फिर से स्वागत करती हूं भाई आपका अपने चैनल लर्निंग नेवर एंड्स में से। और आप ऐसे कितने सारे लोग सवाल कर रहे थे कि मैम हमारा ना सीटेट का एग्जाम अच्छा नहीं गया, क्या हम दोबारा से सीटेट दे सकते हैं? तो आपको मैं बता दूं, चाहे आप सीटेट में पास हो चाहे फेल हो, चाहे सीटेट में चाहे टेट में, भाई एक चीज ध्यान से समझ लीजिए कि आप जितनी बार चाहे उतनी बार जो है वो एग्जाम दे सकते हैं। तो जो भी ये सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं, दोबारा इस एग्जाम को जरूर दें, क्योंकि आने वाले समय में इसके मार्क्स जो है, आप जब टीचिंग के लिए अप्लाई करते हैं, आपका रिक्रूटमेंट होगा, तो उसमें मेरिट बनते वक्त इसके मार्क्स जो है काउंट होने वाले हैं। तो अब जो न्यूज है वो ये है कि अगला सीटेट जो है उसकी डेट डिक्लेयर हो गई है। 8 दिसंबर को आपका सीटेट का एग्जाम होगा और 19 से आपके ऑनलाइन जो है आवेदन होने शुरू हो जाएंगे। सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है वो ऑर्गेनाइज करता है, देश भर में 110 शहरों में और 20 भाषाओं में परीक्षा का आयोजन जो है वो किया जाएगा। परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रक्रिया है वो 19 अगस्त से शुरू हो जाएगी। आप बिल्कुल तैयार इसके लिए हो जाए कि 19 अगस्त से आपके ऑनलाइन आवेदन जो है वो शुरू हो जाएंगे। तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड चीजें हैं वो आप इसमें इकट्ठी कर लीजिए। एक और खुशखबरी जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ अपने चैनल पर कि अपियरिंग वाले स्टूडेंट चाहे फर्स्ट ईयर के हो चाहे फर्स्ट सेमेस्टर के हो, वो लोग भी अब टेट और सीटेट जो है वो दे सकते हैं। तो सब लोग जरूर भरे, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो ट्राई जरूर करें। और ट्राई नहीं मतलब कहते ना, मैंने बताया मार्क्स जुड़ेंगे इसके भाई। तो आप बहुत अच्छी तैयारी के साथ इस एग्जाम को दें। इसी दिन से विस्तृत सूचना बुलेटिन सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट जो www.cbse.nic.in है, इस पर आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर आपका फॉर्म वगैरह जो है आवेदन है वो सब चीजें जो है इसमें डाली जाएंगी। और 18 सितंबर तक इसके आवेदन जो है किए जाएंगे। 23 सितंबर दोपहर 3:30 बजे तक आवेदक शुल्क जो है वो आप जमा कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों, जो भी सीटेट बुलेटिन में परीक्षा में जितने भी भाषाएं हैं, पाठ्यक्रम है, क्या योग्यता है, क्या मापदंड है, परीक्षा शुल्क क्या रहने वाला है, परीक्षा शहर कहाँ कहाँ पे होंगे, क्या क्या महत्वपूर्ण तिथियां हैं इसकी, उससे संबंध सारी जानकारी जो है आपको वो सीटेट बुलेटिन पर मिल जाएंगी। और सलाह भी यही दी जा रही है, ये लोग भी दे रहे हैं, मैं भी यही कह रही हूँ कि एक बार इसका बुलेटिन जो है आप वो डाउनलोड करें आवेदन करने से पहले और सारी चीजों को सावधानी पूर्वक पढ़ लें। वैसे मैं भी इसके लिए डिटेल में वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए कि क्या क्या इसकी पूरी कंडीशन है, क्या क्या चीजें इसमें चेंज हुई है। उसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसके साथ इसकी ऐसी स्ट्रेटेजी जिसकी हेल्प से आप सीटेट जो है वो क्लियर कर सकते हैं, प्लस प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, कहीं भी अगर आप टीचिंग उससे रिलेटेड टीचिंग टिप्स के लिए ये चैनल आपके बहुत काम का है। तो दोस्तों, ये जानकारी मुझे लगता है आपके लिए काफी फ्रूटफुल है, क्योंकि अब आपकी तैयारी जो है वो और जोरों शोरों से शुरू हो जाएगी। तो आप मेरे चैनल पे आए, आपने मुझे सुना, इतना टाइम दिया ना इस जानकारी को, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।